तो आज हम MBBSC के ऑफिस में 2020 के इंटरव्यू जो चल रहे हैं उनके रिव्यू लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक मैम है, बताइए मैम आपका नाम? स्वाति सोनी। स्वाति सोनी मैम, आपके इंटरव्यू का जो बोर्ड था वो क्या था ये बताइए? बोर्ड में डी बोर्ड था। अच्छा। जिसमें दो सर थे और एक मैम थी। अच्छा, एक मैम थी। मैम आप किस जिले से हैं? नरसिंहपुर जिले से हूँ। नरसिंहपुर से। आप ये बताएं कि आपका इंटरव्यू ओवरऑल किस तरीके का रहा, क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? ओवरऑल अच्छा रहा। कुछ क्वेश्चंस डेप्थ से थे और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। वो बेसिकली बहुत ऊपर ऊपर से चला है, वो बहुत नॉर्मल था, बहुत काम रहा। अच्छा, बहुत नॉर्मल। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर लोग नहीं पूछते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप रूम के अंदर इंटर होते हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके और सर लोगों के बीच में जो बेंच वगैरह होती है उसमें डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस जो है, बेंच जो थी वो ट्रायंगल टाइप में शेप में थी। अच्छा। तो हम लोगों को थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है चेयर। हाँ, उसमें हाँ। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी? नहीं, लगभग इतना। अच्छा। पैर तक देख सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ हाफ देख सकते हैं क्योंकि चेयर के जस्ट साइड से टेबल लगी हुई। अच्छा, होती बिल्कुल साइड से टेबल लगी थी। ये बताइए आपके, आप जब वहाँ पर इंटर हुए और आपके हाथ में जो फाइल थी, तो क्या वो फाइल आपसे उनने ली थी या फाइल आपके ही हाथ में रही? क्योंकि डेस्क बहुत सामने थी तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी फाइल यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या उस फाइल को उठा के भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, उससे नहीं पूछे। नहीं। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि जो आपका बायोडाटा था उसी बायोडाटा को देखकर ही उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे। बायोडाटा से पूछा, नॉर्मल घर का पूछा कि घर पर कौन कौन है ये। अच्छा। वो शुरुआत में, और उसके अलावा ज्वेलरी का पूछा, हॉलमार्क वगैरह क्योंकि सोनी हूँ। उसके अलावा जो RDVV यूनिवर्सिटी है उसके बारे में पूछा कि कौन है ये, इनके बारे में बताइए। अच्छा, आपकी कास्ट चूंकि सोनी है इसलिए उन्होंने हॉलमार्क वगैरह से भी क्वेश्चन क्योंकि पूछे। मेरे घर पे ज्वेलरी शॉप है। अच्छा। और वो ज्वेलरी का काम होता है तो उन्होंने पूछा कि हॉलमार्किंग क्या होती है। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम आशीष कुमार कुशवाहा है। आशीष कुमार कुशवाहा, किस जिले से सर आप? सर मैं सतना जिले से हूँ। सतना जिले से हैं। ये बताइए कि इंटरव्यू में आपका बोर्ड कौन सा था सर? सर मेरा बोर्ड देवेंद्र सिंह मरकाम सर का था। अच्छा अच्छा, जो बोर्ड डी में था। अच्छा, बोर्ड डी में था। अच्छा, ये बताइए आपके इंटरव्यू में आपको किस तरीके का माहौल लगा, आपके लिए कैसा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था या मॉडरेट था? सर बहुत अच्छा माहौल था, फ्रेंडली माहौल था। अच्छा। वो सीधे ही जाते पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप किस जिले से हैं, पूरा पता बताइए जी, और डेफ से रिलेटेड जो हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उससे उन्होंने पूछा, PG किस सब्जेक्ट से किया, BSc और PG में अगर डिफरेंस है तो क्यों किया जी। इसके अलावा सर जो हॉबी है, हॉबी से भी क्वेश्चन थे। अच्छा, हॉबी से भी, क्या थी आपकी हॉबी? सर मेरी हॉबी योगाभ्यास थी। अच्छा। और डायरी लेखन दोनों से प्रश्न बने थे। अच्छा। और इसके अलावा जो जिले की विशेषताएं हैं, वर्तमान में करंट की चीजें चल रही हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए कि जब आप हॉल के अंदर इंटर होते हैं तो आपका अभिवादन का तरीका किस तरीके का था? सर अभिवादन जैसे अभी दोपहर का मिडिल मिडिल टाइम चल रहा था। हाँ, हाँ। तो मुझे कंफ्यूजन था क्या बोलूं। हाँ। तो नमस्ते बोला सर से। अच्छा, नमस्ते। तीन मेंबर थे, मैडम थी, दो सर थे जी। पहले नमस्ते मैडम मैम को किया। हाँ। तो उसके बाद सर लोगों को अभिवादन किया जी। ये प्रक्रिया थी सर। अच्छा, ये बताएं कि आप जिस कुर्सी पर जाके अंदर बैठते हैं तो आपकी और सर लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी होगी? सर बड़ी सी राउंड टेबल रहती है जी, और कुर्सी में हम बैठेंगे तो हमारा जो इतना हिस्सा दिखता। अच्छा, है इतना हिस्सा नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। हाँ। वो जाते समय जैसे जनरली अपन लोग मॉक वगैरह देखते हैं तो मॉक में अपने को देखने को मिलता है कि बहुत दूर कुर्सी रहती है, पूरा बंदा दिख जाता है, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं था। वो ट्रायंगल शेप में है टेबल। अच्छा। जिसमें अध्यक्ष जो है सेंट्रल में बैठते हैं पीछे, और वो त्रिकोण आकार में। हाँ हाँ हाँ। तो हम जो बैठेंगे तो हमारी जस्ट चेयर उनकी टेबल के बाद ही होती है। अच्छा, जैसे जो फाइल आप साथ में लेके जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल, तो क्या वो फाइल से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या वो फाइल आपसे मांगते हैं क्या? नहीं, फाइल नहीं मांगते, बोल देते हैं टेबल में रख दीजिए। टेबल में रख दीजिए और आराम से बैठ जाइए। आप जो बायोडाटा वगैरह सबमिट करते हैं उनके पास, एक एक बायोडाटा आपका होता है जी, जी। तो क्या उस आपने ऐसा माइंड किया क्या उस बायोडाटा से भी क्वेश्चंस वगैरह देख के पूछे उन्होंने? हाँ सर, उनके पास हमारी जानकारी रहती है जी, और उससे देख देख कर ही उनके पास अगर क्वेश्चन नहीं है तो देख कर पूछते हैं। अच्छा, देख कर पूछते हैं। करंट के इश्यूज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आज पूछे थे, जैसे वंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या है, वो सूडान में जो प्रक्रिया चल रही है क्या है। अच्छा, ऑपरेशन कावेरी। हाँ, और इसके अलावा सर लिथियम आयन बैटरी जैसे चल रहा है इस समय करंट का, ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, ई गवर्नेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा, ई गवर्नेंस है। आपका 2021 का पेपर 2022 वाला प्रीवी है क्या? जी सर, हाँ प्रीवी है। तो आप क्या जो अभी आज से 15 से 20 दिन के लगभग बचे हुए हैं, आप कुछ टिप्स वगैरह देना चाहेंगे क्या एस्पिरेंट को? हाँ बिल्कुल सर, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए दिया हुआ सिलेबस है जी, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें करंट को भी अपडेट करते हुए तैयार रखना है जी। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर लगाने हैं। अच्छा, टेस्ट पेपर जी जी। चलिए, 21 वाला जो मेंस जिन लोगों का है अभी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर?
बिल्कुल सर, मेंस क्वालिफाई करने के लिए ऐसा है कि जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हर सिलेबस के हर पॉइंट की तैयारी होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और टेस्ट सीरीज से आप अभ्यास कर सकते हैं पुराने क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से आपके सिलेक्शन के लिए। जी, आपका नाम मैम? मेरा नाम दीपिका पटेल है। दीपिका पटेल है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं मैम आप? मैं शहडोल से हूँ। शहडोल से हैं। ये बताइए, आपका इंटरव्यू का बोर्ड किसका था? सर, मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। मेहरा सर का बोर्ड था। अच्छा, तो मेहरा सर के बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कैसा आपको माहौल लगा वहाँ पर इंटरव्यू में? सर, मेरा तो क्या है, पटवारी बैकग्राउंड में, पटवारी जॉब में हूँ, तो मेरा ज़्यादातर पटवारी से ही क्वेश्चन चला और मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए मेरी जॉब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। तो क्या सारे क्वेश्चंस का आप बिल्कुल कूल होकर एकदम जवाब दे पाए, या कहीं पर ऐसा आपको लगा कि मैं फंस रही हूँ या कुछ अलग इनको क्वेश्चन पूछने चाहिए इसके अलावा? नहीं, बिल्कुल सहज क्वेश्चन पूछे उन्होंने और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जिसमें ऐसा फंसने वाला और ऐसा कुछ आया। अच्छा, ये बताएं कि आप जब इंटरव्यू के लिए हॉल में प्रवेश कर रहे थे तो आपका अभिवादन का तरीका किस तरीके का था? मैंने सभी को नमस्ते किया, बोर्ड मेंबर को नमस्ते किया और तीन अन्य सदस्य थे उनको भी अभिवादन। अच्छा, तो क्या चार मेंबर्स थे क्या आपके बोर्ड में? बिल्कुल चार मेंबर थे और सभी पुरुष थे। जी जी। आपके ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड क्या रहा है मैम? मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस का है। तो क्या ग्रेजुएशन से भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे क्या? ग्रेजुएशन का मुझसे मेरी जॉब से लिंक करके पूछा गया, जैसे पटवारी है तो उसमें आज आईटी और कम्युनिकेशन का क्या यूज है, इस तरीके से लिंक करके पूछा गया मेरे से और अलग से ऐसे क्वेश्चंस नहीं, मैंने लिंक करके पूछा गया। अच्छा, लिंक करके क्वेश्चन पूछे गए। ये बताएं कि आपका इसके पहले भी कोई इंटरव्यू था या पहला इंटरव्यू? नहीं, ये फर्स्ट इंटरव्यू था। 19 वाला इंटरव्यू है क्या आपका? हाँ बिल्कुल है, 19 वाला भी है। चलिए, 19 के इंटरव्यू के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताएं मैम, जब आप इंटरव्यू खत्म करने के बाद वहाँ से वापस आ रहे थे तो उस चरण के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके का माहौल रहा, वो क्या लगा? सभी जो मेंबर्स थे बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से अभिवादन उन्होंने आगे से भी किया और उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। अच्छा। और जब वहाँ से उठ के भी आए तो उन्होंने एक बहुत सहज माहौल था, बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था जिसमें कोई भय हो या डर हो, बहुत सहज माहौल था। अच्छा, मतलब आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि आपको वहाँ से निकलने के बाद ये लगा कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव है और ऐसी कोई समस्या नहीं है, अच्छे ठीक ठाक नंबर मिलने वाले। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बहुत पॉजिटिव रहा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंटरव्यू के लिए, आपकी सफलता के लिए। धन्यवाद।